सुबह के 6 बज में आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। शुरुआत करेंगे 150 गांव 150 खबर के। डूंगरपुर को ऑर्गेनिक डूंगरपुर बनाने की दिशा में कलेक्टर राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिले में एग्री कियोस्क की स्थापना के साथ पूरे जिले को जैविक बनाने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया गया। छतरगढ़ बीकानेर रोड जर्जर हालत में है। स्टेट मार्ग नंबर 3 में हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। विभागीय लापरवाही के चलते रोड की मरम्मत तक नहीं की जा रही और लोग परेशान हैं। रामगढ़ में चोरों ने पहले एक घर के बाहर के पिकअप को चोरी किया, उसके बाद गोदाम से मूंग की दाल चोरी कर ली। चोरी की गई पिकअप में ही मूंग लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटे। बूंदी में पंचायत सचिवों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अध्यक्ष लीलाधर मिश्रा के नेतृत्व में जिला परिषद सीईओ से मुलाकात की। पंचायत सचिवों ने लंबे वक्त से रुके वेतन के भुगतान की मांग की है। सागवाड़ा विधायक अनीता कटारा के जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहा और शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहा। लूणकरण सर के सुरनाणा में एक युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी मिली, जिसको लेकर मामला दर्ज हुआ। बूंदी में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति अध्यक्ष अनीस अहमद के नेतृत्व में सीएम के नाम कलेक्टोरेट में ज्ञापन दिया गया। इस दौरान 7 सूत्रीय मांग पत्र के निराकरण की मांग की गई। आजपुर पंचायत समिति सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविरों को लेकर बैठक हुई। बैठक में एसडीएम विजेश कुमार पंड्या ने शिविरों के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। महाजन में NH-15 पर रुई से भरा ट्रक पलट गया। हादसा महाजन अर्जुन सर के बीच हुआ। महाजन पुलिस मामले की जांच में जुटी। ढांढण गांव में चल रही 63वीं राष्ट्रीय छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम केरला और उप विजेता हिमाचल और तीसरे स्थान पर रही तमिलनाडु की टीम को सम्मान दिया गया। नैनवा पुलिस ने विद्युत निगम के JEN भूपेंद्र मालवा के खुदकुशी मामले में 3 अधिकारियों पर खुदकुशी के लिए जिम्मेदार होने का मामला दर्ज हुआ है। डूंगरपुर में बाल सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत आसपुर थानाधिकारी ने 3 स्कूलों का दौरा किया। इस दौरान पुलिस ने बाल संरक्षण के लिए बने कानूनों और ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। लोसल डीडवाना रोड पर गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर व्यापारियों ने उप तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पालिका प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगा है और गंदे पानी की निकासी की मांग की गई है। हिंडोली हरणा गांव में सूर्यमल्य मिश्रण पर आधारित किताब का विमोचन SDM ने किया। नोखा के राजकीय मांगीलाल बागड़ी कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी जारी है। इस दौरान छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अनूठा प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में स्वतंत्रता सेनानी किशनलाल गर्ग की पुण्यतिथि पर राजकीय महाविद्यालय में साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान सभापति के गुप्ता ने स्कूल की 45 बालिकाओं को साइकिल बांटी। गजनेर से NH-15 दरबारी पाठा ने सालासर जाने वाली लिंक रोड जर्जर। सादासर सरपंच विनोद कुमार गौड़ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से रोड की जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की है। संगरिया के वार्ड नंबर 16 में जन सहयोग से 18 करीब
गरीब परिवार के बच्चों को स्वेटर बांटे गए। बूंदी हिंडोली हाईवे पर रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। अरमाड़ा के राजावास के पास एक के बाद एक करके तीन गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, हादसे में दो लोग जख्मी। रावतसर में पल्लू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शराब तस्करों को पकड़ा और अवैध शराब को जब्त किया। रणथंभौर नेशनल पार्क में T-39 ने एक लेपर्ड का शिकार किया। ये लेपर्ड T-39 के शावकों पर हमला कर रहा था। चौमू के आलेसर में दो कच्चे घरों में आग लग गई। मौका मुआयना करने के लिए सरपंच और पटवारी पहुंचे। रावतसर न्यायालय परिसर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट कैंप का सादे समारोह में ADJ अशोक कुमार टांक ने रिबन काटकर शुरुआत की। JNP के 53 गांव में 40 करोड़ के विकास कार्य होंगे। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी यानी GEF योजना के तहत ये विकास कार्य कराए जाएंगे। जैसर में पतंजलि योगपीठ के योग शिक्षक के नेतृत्व में वार्ड नंबर 5 में वृक्षारोपण किया गया। बोली कस्बे से 2 महीने पहले घर से भागी नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब कर कोर्ट के आदेश के बाद माता पिता के सुपुर्द किया। चौमू के मोरिजा रोड पर युवक ने घर में ही खुदकुशी कर ली, कारणों का खुलासा नहीं हो सका। रावतसर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने उपखंड अधिकारी को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जलदाय विभाग के XCN ने सूरवाल थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ पेयजल पाइपलाइन चोरी करने का मामला दर्ज कराया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग चौहटन ने ई मित्र की मनमानी और लापरवाही के चलते 8 ई मित्रों का लाइसेंस रद्द किया। सादुल शहर में जरूरतमंद लोगों के लिए गौशाला परिसर में पुराने कपड़े निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रूपवास में मुख्य बाजार पर जगह जगह गंदगी है, वहीं आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। शेषर बालिका स्कूल में आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए, SHO भी इस दौरान मौजूद रहे। दानपुर में 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। चौमू में बस स्टैंड के आसपास दुकानों के बाहर अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पालिका दस्ते ने कार्रवाई की। सिलवाला खुर्द के वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुखबीर कौर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बरवाड़ा पावंडेरा रोड पर मारुति वैन की टक्कर से जख्मी दंपति को CHC में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। खेल एवं शारीरिक कौशल विकास शिविर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौक के खेल मैदान में आयोजित हुआ। बाड़मेर में बहुचर्चित क्रूड तेल चोरी मामले में 120 दिन बाद 33 आरोपियों को जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। संगरिया के 2 RTV राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में राष्ट्रीय अखंडता दिवस मनाया गया। सादुल शहर में IFWJ ने SDM को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर पत्रकार सुरक्षा अधिनियम को लेकर ज्ञापन दिया। लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसा करमोदा बाईपास पर हुआ। टिब्बी में घग्गर बहाव में धान की कटाई के बाद बचे कचरे में पाबंदी के बाद भी आग लगाई जा रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है।
अजीत से समदड़ी तक रोड जगह जगह जर्जर है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। घड़साना में आईजीएमपी के चार में से दो ग्रुप चलाने की मांग को लेकर 23 नवंबर को उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कुशलगढ़ में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रायला में क्लास की कमी के चलते आसमान के नीचे बिस्कलाई गांव में 8वीं तक का स्कूल 3 कमरों में संचालित हो रहा है। पहाड़ी में बालिका स्कूल में गंदगी का अंबार लगा है और बीमारियों के फैलने का डर है। सुल्तानपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया। विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर विरोध किया गया है। पाई पंचायत में दुरहरा कामा रोड पर गंदा पानी रोड पर जमा रहता है, लेकिन पंचायत इस पर ध्यान नहीं दे रही। शाहपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फिल्म पद्मावती का विरोध करते हुए रैली निकाली। चंद्रपुर गेट बालिका स्कूल में बाल सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूढ़ादीप में जिला परियोजना कार्यालय कोटा और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में छात्राओं को 30 दिनों तक आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चलेगा। नापला में जदयू युवा प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह राणवा पहुंचे और कार्यकर्ताओं से पार्टी की मजबूती पर चर्चा की। कोटड़ी में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर सर्व हिंदू समाज ने फिल्म पद्मावती का विरोध किया। छोटी सरवा में पानी के टैंक की खुदाई के दौरान 6 प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, जिसके बाद प्रशासन ने काम रुकवाकर पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी। रावतभाटा में अग्रवाल समाज का दीपावली में मिलन समारोह हुआ। रामगंज मंडी में विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने आजीविका महिला समूह को संबोधित किया और भवन निर्माण के लिए 8 लाख की राशि की घोषणा की। कामा के राजेंद्र नगर में लाखों की लागत से बनी रोड के निर्माण के बाद नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक को लोगों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। पुलियाकलां के कोठिया में खेड़ा पालोला गांव में नालियां नहीं हैं और घरों का गंदा पानी रोड पर आ रहा है। बांसवाड़ा रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें एसपी ने परेड का निरीक्षण किया। संगोद में विधायक हीरालाल नागर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या को लेकर चर्चा की। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर पुलिया विस्तारीकरण और अंडरपास की मांग को लेकर पुलिया विस्तार संघर्ष समिति का धरना जारी है। कपासन में गोराजी का निम्बाहेड़ा गांव के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। कोटखावदा में सांवलिया गांव के सुनील चौधरी को बीजेपी देहात मंडल के आईटी सेल का संयोजक बनाया गया। घरियावद में सुरक्षा पाक के सामने गंदगी से लोग बेहाल हैं, लेकिन पाक की सफाई नहीं कराई जा रही। धौलपुर को ODF करने के लिए नगर परिषद अधिकारियों ने खुले में शौच जाने वाले 300 लोगों को चिन्हित किया है, जिनसे समझाइश की जाएगी। सायला में अभिनव विद्यापीठ सांगणा पोठा दहेवा में रात्रिकालीन वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देसूरी में उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा को मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांग पत्र के लिए ज्ञापन सौंपा गया। रावतभाटा में चंबल नदी किनारे प्रस्तावित पल्चर पेयजल संयंत्र का लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया।
प्रतापगढ़ में इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून की मांग की। धौलपुर राज्य के बालिका माध्यमिक विद्यालय पंचगांव में बाल दिवस सप्ताह का समापन किया गया। श्री वैष्णव वैरागी चतुर्थ संप्रदाय एकता समिति राजस्थान के चुनाव हुए, जिसमें एडवोकेट मानदास वैष्णव प्रदेश अध्यक्ष बने। केकड़ी में फिल्म पद्मावती का विरोध करते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। कोटपुतली में एलिवेटेड पुलिया विस्तार की मांग को लेकर पुलिया विस्तार संघर्ष समिति का धरना 11वें दिन भी जारी। दसूरी में हरिओम सागर बांध का लाखों लीटर पानी हर दिन बर्बाद हो रहा है, बावजूद इसके विभाग ध्यान नहीं दे रहा। रावतभाटा के गांव बड़ौलिया में शराबी पति ने पत्नी की सरेआम पिटाई कर दी, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। कोटपुतली में एनएसयूआई नेता मुकेश भाकर के जन्मदिन पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजकीय बीडीएम अस्पताल में फल वितरित किए। अराई ग्राम पंचायत में नैराज देवी को फिर से सरपंच पद पर नियुक्त किया गया, फर्जी डीसी के आरोप में नैराज देवी को पद से हटा दिया गया था। ताकतों में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने वेतन विसंगति के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। धरियावाद में जैन समुदाय के लोगों ने चंद्रप्रभु जैन मंदिर में 21 किलो घी से मुनि सुव्रत भगवान का अभिषेक किया। बागोड़ा में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पिपरौन के स्कूल में बाघ वितरण समारोह का आयोजन किया गया, समारोह में विधायक रानी सेलोटिया मुख्य अतिथि रहे। दसूरी के स्कूल में 5 दिवसीय समाज उपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चाकसू में राजपूत समाज ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंप फिल्म पद्मावती पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की। दलोट में बहुउद्देशीय सहकारी समिति एवं लेम्स गोदाम का उद्घाटन किया गया। धौलपुर में 7वें वेतन आयोग के विरोध में राज्य कर्मचारियों ने तहसील और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उपखंड कार्यालय पर एसडीएम की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक बैठक में जलदाय शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत कई लोग वहां नहीं पहुंचे। एसडीएम ने बैठक से गायब रहे अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। चौमेला कोट तालुका विधिक सेवा समिति की तरफ से आधा दर्जन गांव के लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए गए। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में कार्यरत ठेका कर्मियों को पूरा वेतन नहीं मिला है। अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मियों ने कलेक्टोरेट पर धरना प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में कार्यरत संविदा कर्मियों ने जिला परिषद के बाहर प्रदर्शन किया, नर्सिंग कर्मियों को परमानेंट करने की मांग रखी। संविदा नर्सिंग कर्मी अपनी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीमका थाना में छात्र छात्राओं ने बस की कमी के चलते बाजौर हाउस के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि शाहपुरा से नीमका थाना के लिए एक ही लोक परिवहन की बस है, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाल दिवस सप्ताह को लेकर बागोड़ा के जय भारती उच्च माध्यमिक स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम हुए। चित्तौड़गढ़ के भंडारिया में पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने शिविर का आयोजन किया। खानपुर में जय भवानी ग्रुप ने फिल्म पद्मावती का विरोध किया, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सायरा ग्राम पंचायत को ओडीएफ बनाने के लिए खुले में शौच करने जाने वाले लोगों को माला पहनाकर शौचालय इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। चौधरी मार्केट के नवनिर्मित शिव बालाजी मंदिर में श्री राम कथा महोत्सव का समापन समारोह हुआ।
आंबावली में पटवार भवन जर्जर हालत में है, जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की जा रही है। सपोटरा में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उपशाखा के एक शिष्टमंडल ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप, अपनी मांगे रखी। डग ब्लॉक के कई स्कूलों की स्थिति बदतर है, स्कूल में मिड डे मील के बर्तन बच्चे धो रहे हैं। हिंडौन सिटी में उपनेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी और कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पदमपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 13 में मेडिकल काम फंक्शनल असेसमेंट शिविर में 400 दिव्यांगों का पंजीयन हुआ। विधायक बनवारी लाल सिंघल ने अलवर में 5 अन्नपूर्णा रसोई वैन का फीता काटकर शुभारंभ किया। डग ब्लॉक में प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंडौन सिटी के सोरोठ गांव में गंदगी और आवारा पशुओं के जमावड़े से लोग परेशान। राजगढ़ के पेनान कस्बे के गौरव पथ मार्ग में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को हटाया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और प्रशासन ने पुलिस जाप्ते के साथ दुकानें तोड़ने की कार्रवाई की। लालगढ़ जाटान में बस अड्डे पर मास्टर प्लान योजना के तहत बने सुलभ शौचालय की हालत बद से बदतर होती जा रही है। शौचालय के अंदर फैली गंदगी से चारों तरफ भयंकर बदबू फैली रहती है, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती है। बीकानेर राज्य के डूंगर कॉलेज में अध्ययनरत सभी नियमित छात्र छात्राओं के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष कैंप आयोजित होगा। 25 नवंबर को 30 नवंबर को कॉलेज परिसर में इस विशेष कैंप का आयोजन होगा। लालगढ़ जाटान में पंचायत समिति उपप्रधान सुरेंद्र जलंधरा की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी वार्डों के वार्ड पंच और सरपंच भी मौजूद रहे। ग्राम सभा में गांव के अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। गोपालगढ़ के पिपरौला गांव में जंगलों से 16 गोवंश मुक्त करा, पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, गांव एक पिपरौली है। वहीं कार्यवाही के दौरान गौ तस्कर मौके से फरार हो गए, वहीं पुलिस नाकेबंदी कर गौ तस्करों की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो ठेकेदारों से 18 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। पुलिस के मुताबिक यूपी से 4 परिवार मजदूरी के लिए बांसवाड़ा आए थे, जो बजवाना गांव में ईंट भट्टों का काम कर रहे थे। साधु शहर में तारानगर सड़क पर ओवरब्रिज के पास जीप और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हैं। जख्मियों को वाहन चालकों ने निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। दूदू के ताकून गांव में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने अजमेर लोकसभा उपचुनावों की तैयारी को लेकर बैठक की। जोधपुर में ठंड का असर दिख रहा है, सुबह पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। सुबह सुबह स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, पिछले 10 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मानसून में कल्याण की घाटी पर एक साथ 2 ट्रक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराए, लगभग 700 फुट की खाई में गिरने से ट्रक बच गया, हालांकि बड़ा हादसा टल गया। चौमू के वार्ड नंबर 7 के दोला सिंह के ढाणी में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग की लपटे खेत में रखी कडवी के पुलों तक पहुंच गई। सूचना पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। अजमेर जिला वक्फ बोर्ड की नवनियुक्त कमेटी की ओर से सूफी संत हजरत फाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर पेश की गई। इन सभी सदस्यों की अगवानी राजस्थान मदरसा बोर्ड सदस्य सैयद अफशान चिश्ती और प्रदेश महामंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मुसफ अली खान ने की। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में ठेकाकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर संविदाकर्मियों ने कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन किया। ठेकाकर्मियों ने मांग की है कि ठेका पद्धति खत्म करके आरएम आरएस के आधार पर वेतन दिलाया जाए। हिंडौन सिटी के क्यारदा गांव के पास मानसिक बीमार को रहने के लिए अपना घर आश्रम का निर्माण किया जाएगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।